अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, यानी कि प्रेशर मेजरमेंट टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम प्रेशर गेज। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये बेसिकली इसका भी ऑपरेशन या वर्किंग प्रिंसिपल वही मैकेनिकल लिंकेज वही सेम है जो कि हमने बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में पढ़ा था। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस होगा वो ये होगा कि इसमें जो हमारी नीडल होगी जिससे हम प्रेशर देखेंगे, तो वो क्या होगा कि जो हमारा एक डायफ्राम लगा होगा, डायफ्राम प्लेट लगी होगी, उस डायफ्राम प्लेट की डिफॉर्मेशन या उसमें जो बिगाड़ पैदा होगा उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रेशर की रीडिंग आएगी। तो सिंपली आप देखें, ये हमारे पास है लिंक और ये जो हमारे पास रेड कलर का मैंने शो किया हुआ है, ये एक्चुअली क्या है, मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो मुझे ये एक रेक्टेंगल शेप में नज़र आएगी, लेकिन अगर इसको मैं ऊपर से देखूँ, ऊपर से मतलब टॉप व्यू देखूँ, तो ये मेरे पास एक प्लेट होगी। सही है, इसको ये एक ऐसी प्लेट होगी यानी कि जिसको मैं प्रेस करूँगा और उसके बाद प्रेस करने के बाद फॉर एग्जांपल इसको मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाता हूँ तो ये कुछ ऐसी शेप के आ जाएगी, यानी कि ये थोड़ी सी डाउनवर्ड फॉर्म में आ जाएगी, नीचे हो जाएगी, लेकिन इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। मतलब क्या है, इसके अंदर इलास्टिसिटी है, ये एक इलास्टिक मेंबर है, जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें बिगाड़ पैदा आता है और ये अपनी शेप बदल लेती है। अब इसी के साथ कनेक्टेड होता है लिंक। जाहिर सी बात है, जब मैं डायफ्राम पे फोर्स लगाऊंगा किसी भी तरह की, तो लिंक भी मेरा मूव करेगा और ये जो सारा मैकेनिज्म है, जो गियर्स वाला है, पिनियन और गियर्स वाला, ये भी सारा क्या करना पड़ेगा, ये भी सारा मूव करना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे वर्किंग करता है। अब जिस प्रेशर, जिस फ्लूइड का आपने प्रेशर मेजर करना है, उसको बेसिकली यहाँ से आपने इंटर करवाना है, इस साइड से कोई भी है, वो समझो पाइप से आ रहा है या किसी भी जगह से आ रहा है, कोई फ्लूइड है, एयर है, जो भी है, वो बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ से हमने एक पैसेज दिया हुआ है और यहाँ से एक्चुअली ये यानी कि रास्ता है, यहाँ से फ्लूइड इंटर हो रहा है। जैसे फ्लूइड इंटर होगा तो वो क्या करेगा, इस डायफ्राम प्लेट पे डाउनवर्ड यानी कि अपवर्ड आ रहा है, नीचे से है, लेकिन वो अपवर्ड या ऊपर की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा या प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर की वजह से जो हमारे पास ये डायफ्राम है उसकी जो शेप हो जाएगी वो इस तरह हो जाएगी जो मैंने डॉटेड लाइन में बनाई हुई है, मतलब वो थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेगा। अब होता क्या, अब जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो जो लिंक हमारा है वो बेसिकली होता क्या है, डायफ्राम के साथ कनेक्ट होता है नीचे से। जैसे हमारे पास क्या होता है कि डायफ्राम ऊपर जाता है तो जो ये वाला लिंक है ब्लैक कलर का, ये भी इसके साथ ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ये हरकत करता है, क्योंकि लिंक ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के साथ हमारे पास लिंक जुड़ा है। जैसे डायफ्राम हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो ये लिंक चूँकि इसके साथ कनेक्ट है वो भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो लिंक है, जैसे ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा तो हमारे पास जो ये पिनियन है, सेक्टर सॉरी, इस सेक्टर को बेसिकली मैंने क्या किया है, इसको सेक्टर का नाम दिया हुआ है। जैसे ही हमारे पास लिंक ऊपर मूव करेगा तो सेक्टर क्या है, जो इसके ग्रीन कलर की मैंने एरो शो किया हुआ, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। बात समझ आ रही है? तो जैसे ये इधर मूव करेगा तो चूंकि पिनियन और सेक्टर, अब पिनियन किसे कह रहा हूँ, ये जो गोल वाला एक गियर सा बना हुआ है, तो जैसे ही मेरे पास सेक्टर मूव करेगा तो गियर और सॉरी पिनियन और हमारे पास जो सेक्टर हैं वो दोनों आपस में मैश हैं, इंगेज हैं। तो जैसे ही सेक्टर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, जो एरो को मैंने किया हुआ शो, मतलब इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो पिनियन इसके साथ अटैच है वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हरकत करेगा। अब हमारे पास जो निडल है, निडल कह लें या डायल इंडिकेटर कह लें, जो हमें प्रेशर रीडिंग दिखाएगा स्केल पे, वो हमारे पास कहाँ लगा हुआ है, इस पिनियन के ऊपर लगा हुआ है, जो गोल कलर का गोल सा जो है हमारे पास गियर है। अब जैसे गियर मूव करेगा, हरकत करेगा गोलाई में, तो हमारे पास चूंकि ये जो निडल है हमारे पास इसके साथ अटैच है, तो ये भी हरकत करना शुरू हो जाएगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा पिनियन मूव करेगा, और स्केल पे हमारे पास रीडिंग दी होगी 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी, कभी बार में दी होती है, टॉर में दी होती है, तो जिस यूनिट में हमें दी होगी हम वहाँ से प्रेशर को रीड कर लेंगे। तो सिंपली इसमें क्या हमारे पास है, सेक्टर था और हमारे पास क्या था, पिनियन था, और इसके अलावा पिनियन के ऊपर हमारे पास निडल लगी थी। तो जैसे ही फ्लूइड नीचे से इंटर होता है तो वो क्या करता है, डायफ्राम पे प्रेशर लगाता है और डायफ्राम हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ हरकत करता है और हमारा डायफ्राम के साथ लिंक कनेक्ट होता है। जैसे ही हमारा डायफ्राम ऊपर जाता है तो हमारा लिंक भी क्या करता है, ऊपर जाता है। तो जैसे लिंक ऊपर जाएगा तो लिंक के साथ हमारा सेक्टर कनेक्टेड है, तो सेक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज में, जो एरो शो किया हुआ है, और सेक्टर के साथ हमारा पिनियन जो है मैश है, मतलब इंगेज है, कनेक्ट है, तो इसलिए हमारा गियर भी मूव करेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके ऊपर हमारे पर निडल लगी होती है और निडल भी इसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में पिनियन मूव करता है। और ये हमारे पास लगा होता है जो सर्कुलर स्केल मैंने शो करवाया हुआ आपको, ये वाला सर्कुलर स्केल, इस पर बेसिकली हमारे पास प्रेशर रीडिंग लिखी होती है, कैलिब्रेशन की होती है हमारे पास, तो वहाँ से हम रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास थी डायफ्राम प्रेशर गेज जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेड वेट कैलिब्रेटर।
ठीक है, या डेड वेट, उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि वो कौन सी प्रेशर मेजर टेक्निक है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून टू माई चैनल।